पूरे देश के कई राज्यों में मौसम से बदलाव आया है। सोमवार शाम से राष्ट्रीय राजधानी में भी मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में 7 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिली है। अब सुबह और शाम को ठंडक का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों में बारिश लगातार जारी रह सकती है। मंगलवार की बात की जाए तो तमिलनाडु, लटिया, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिली। हालांकि इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को भी मिली। पश्चिमी हिमालय के कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली। वहीं मध्य भारत और उत्तरी राज्यों में दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि देखी गई। अगले 24 घंटे में फिलहाल मौसम में कोई बदलाव होने के आसार नहीं है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश संभव है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और भारी बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली NCR समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखी जा सकती है। कुछ जगहों पर एक दो बार ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं दिल्ली NCR में गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहने की आशंका है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट देखी जा सकती है। तापमान 16 से 29 डिग्री के आसपास बने रहने की आशंका जताई जा रही है।